दोस्तों हमने पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको थीरोस्पे कर देना क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको इमेज यूज फ्रॉम गैलरी में आपको आ जाना है। वहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम मेरी पिंजी कर लेते हैं सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको ऐड पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टेस्ट को कर देना डिलीट। टेस्ट को डिलीट करने के बाद प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना आपको फ्रॉम गैलरी में। फ्रॉम गैलरी में आने के बाद दोस्तों हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं। ऐसा आ जाते हैं यहाँ पे हम फोल्डर में आ जाते हैं। फोल्डर में आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ये वाली पिंजी कर देते हैं सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे इसकी साइज में आपको रिलेटिव साइज कर लेनी है, यानी जितनी इसकी है उतनी आपको वहाँ पे कर लेनी है। करने सबसे पहले आपको यहाँ पे कर देना इसको ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने में सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पे इमेज को कर लेना सेव। एंड दोस्तों हमने सेव टू गैलरी कर ली है। एंड आपको दोस्तों वहाँ पे कैनमास्टर ऐप ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों हमने कैनमास्टर ऐप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पे कर देना क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको कोशिश करना सबसे पहले आपको आ जाना इम्पोर्ट प्रोजेक्ट। इम्पोर्ट प्रोजेक्ट में आ रहा है दोस्तों, मैं प्रोजेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले वहाँ पे अपने नीचे और आ जाते हैं। नीचे आने का दोस्तों यहाँ पे हमें आला ये आला अपने कैनमास्टर फाइल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे इम्पोर्ट प्रोजेक्ट हो रहा है। इम्पोर्ट हो जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ ही करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुल जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ ही करना है, आपको सबसे पहले बैकग्राउंड पे कर देना क्लिक। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे फोल्डर वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। एंड आपको दोस्तों फोल्डर अपने फोल्डर में चले आना है। फोल्डर में आने का दोस्तों यहाँ पे वाली वीडियो लेकर कर लेते हैं सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ ही करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पे हमें पिंज पे कर लेते हैं क्लिक। पिंजी क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज को कर लेना चेंज। दोस्तों आपको प्रोफाइल यहाँ पे एडिट करना है, इससे हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। एंड दोस्तों आपको कोशिश करना है वापस आपको यहाँ पे इसके नीचे आपको आ जाए, यहाँ पे आपको 31 सेकंड पे आपको आ जाएगा। 31 सेकंड पे आने के बाद सबसे पहले प्लस पे आने, सॉरी दोस्तों आपको जाना लेयर ऑफ फीचर, जाना आपको मीडियम में। मीडियम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले एलई पेंजी कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको पेंजी को ले जाना आपको एंड तक। वहाँ तक ले जाने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन में आ जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे इंटर स्लॉट आप वाला आपको एनिमेशन लगा देना है। एंड आपको ऐड पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको वापस क्रॉपिंग पे कर देना क्लिक। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मास्क कर देना एनेबल। एंड आपको फेदर शेप्स कर लेना फुल। हमने इसको 50 कर लिया। 50 करने के बाद सबसे पहले आपको पीएनजी को आपको थोड़ा इस साइड इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। प्रोफाइल एडजस्ट करने से पहले दोस्तों आपको वहाँ पे एनिमेशन हमने लगा लिया है। और आपको पीएनजी को थोड़ा सैड स्लाइड रेड में कर देना है। इसको कर लेना सबसे पहले आपको इसका डुप्लीकेट लेयर निकाल लेना है। डुप्लीकेट लेयर निकालने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है फोल्डर में। फोल्डर में आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे इमेज कर लेनी चेंज। इसे मैंने इमेज कर लेता है चेंज। चेंज करने के बाद सबसे पहले आपको वापस क्रॉपिंग में आ जाना है। एंड मास्क कर देना एनेबल। एंड आपको फेदर शेप्स परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। फिर परफेक्टली कर लेना सबसे पहले आपको वहाँ पे इमेज को इस तरह से आप परफेक्टली एडजस्ट कर देना है। एंड आपको साइज थोड़ी स्मॉल कर लेनी है कुछ इस तरह से। एंड हमने इस तरह से परफेक्टली इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पे कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर आपको आ जाना है 50 सेकंड पर आपको आ जाना है। वहाँ पर आने में आपको जाना लेयर पे जाना आपको मीडियम में। एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है।
फोल्डर में आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अली ओवरले वीडियो लेकर करते हैं सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इसको कर देना फुल जूम। फुल जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ ही करना है, आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर कर देना क्लिक एंड इसको कर देना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों को एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड देखो दोस्तों कुछ हमारा इस तरह की न्यू अमेजिंग हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल वीडियो एडिटिंग हो चुकी है। एंड दोस्तों आप भी इस तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आती है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल पर सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह डेली वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद।